एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिस्टर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो हम कर रहे हैं ये काम, जैसा कि आप सबको हमारे रूटीन का पता ही है, हम यही काम करते हैं। तो ये सैम का हाथ देखे, इसको मून ने मारा है, इतना ज्यादा मतलब मारा है ना जोर से कि वेन के पास बिल्कुल मारा, बल्कि वेन में इसका ना नेल चला गया था। तो इतना ज्यादा दुख रहा है कि हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी मामा कहती हैं सबको मारा करो, और वो मारता भी है, वो सबकी सबको छोड़ के अपनी मामा की बात मानता है। और आप लोगों को पता है आज मुन्नी क्या किया? आज पापा ने ऊपर का दरवाजा खोला है, तो जनाब साहब सीढ़ियों पे बैठे थे और चला गया छत पे, सीधा भाग के गया, और सामने चिन्ना बैठा था, चिन्ने को पकड़ लिया उसने, और साथ वालों की दीवार पे से जंप करके वहां चला गया। चिन्ना भागा ना, उसके पीछे पीछे खुद भी भाग गया, और हम लोग इतने ज्यादा परेशान थे। इतना मारा है उसको, इतने जोर जोर से मारा है उसको, इसको एक खरोज तक नहीं, हालांकि वो बाहर का स्प्रे नेल है, तो उसके यानी कि उसका अटैक जो था ना वो इसको नुकसान दे सकता था, जैसा कि हनी के साथ हुआ था। हनी तो चले छोटा था, उसका तो यानी कि मसला ही ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन इसको एक खरोच भी नहीं आई, और इसने उसका इतना बुरा हाल कर दिया मार मार के, पता नहीं उस बेचारे को कहाँ कहाँ लगी, क्योंकि वो घर नहीं आया, इतना डरा हुआ है वो कि वो घर नहीं आया अभी तक। और मैक्स जो है वो तो माशाल्लाह से इतना डरपोक है कि उसने इनकी लड़ाई देखी होगी, और वो भी जो भागा है ना छत पे से। अभी आयशा गई है ऊपर खाना खिलाने के लिए, वो आवाज़ें दे दे के आ गई है, मैं भी गई हूँ, खूबसूरत आई थी उसको खाना डालने के लिए, मैं गई हूँ, और मैंने भी देखा काफ़ी देर तक उसे आवाज़ें देती रही हूँ, कोई किसी का दोनों में से नामो निशान नहीं, ना चिन्ह है ऊपर ना मैक्स है, मतलब इतना बुरा डरा दिया मून ने उनको कि वो बेचारे गायब हो गए हैं छत पे से। अब वो कल को या फिर रात को आएंगे अगर उनका मूड ठीक हुआ तो। तो ये इतना बदतमीज है ना, जैसे मामा इसको कहती है ना कि हाँ ऐसे किया करो ऐसे किया करो, तो फौरन बात मान लेगा, जैसे कोई अच्छी बात समझाएंगी ना हाथ उठाएंगी या कुछ भी, मतलब कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी डांटते हैं उसको तो खुद आगे से ना मामा पे भी गुस्सा करता है, फौरन हाथ उठाता है कि मैं भी मारूंगा। अभी अभी कैस्पर की आई में हो गया है इन्फेक्शन, और इधर आओ ना, ये बदतमीज है ना, सुनता नहीं है बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरी बात तो सुनो, अच्छा इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर फेस दिखाओ, इधर ये देखिए इसकी आंख नहीं खुल रही, इसकी आंख नहीं खुल रही, इसको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है ना बच्चे को, कैस्पर को गुस्सा आ रहा है। किसने मारा बताओ मुझे, किसने मारा कैस्पर, किसने मारा कैस्पर को? इसकी आई में शायद कुछ गिर गया या फिर कुछ लग गया, मुझे तो आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मैंने अभी पॉलीफ्लेक्स ऑइंटमेंट लगाया इसको, अब देखें क्या रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा कैसे देखता है ये, इतना प्यारा देखता है ना, इसका अंदाज इतना प्यारा लगता है मुझे। दुआ करें मेरे कैस्पर की आई ठीक हो जाए जल्द से जल्द। और ये देखें हमारी चाची कैसे बैठती है, इतनी प्यारी लगती है ना, भालू से लगती है जैसे गुड़िया बैठती है। चांदनी है, इसका बेटा भी ऐसे बैठता है, तो इसका नाम चांदनी है, चांदनी बेबी, ऐसे बैठती है जैसे कोई भालू नहीं बैठा होता। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी हो तुम बेबी। मामा भी आ गए और ये अपनी सफाइयां कर रही है, मोटी है वैसे ना ये, और ना ये कितनी कितनी देर इसी तरह ही बैठी रहती है, पीछे से टेप भी लगाई होती है फिर भी कमर को ना अपनी बैंड करके इस तरह बैठी रहती है, और थकती भी नहीं है। अभी इस बाहर की और मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो रही थी, मैं इसको कह रही हूँ कि YouTube का नेम चेंज करो, मुझे ये नेम अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे कह रही है पहले जब मैं कह रही थी कि ये नेम नहीं सही दूसरा रखते हैं, तो तब तुमने झगड़ा किया था कि नहीं हमने यही नेम रखना है, और अब तुम कह रही हो नेम चेंज करो, तो इस बाहर क्या कहना चाहोगी तुम? इसका गुस्सा आया हुआ है कि क्योंकि मैं कह रही हूँ कि नेम चेंज करो, लेकिन आप लोग बताएं कि अगर हमें नेम चेंज करना चाहिए या नहीं। हाँ जी, अब आप लोगों की सजेशन हमें चाहिए कि हमें YouTube का नेम चेंज करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो भी बताइए, और अगर नहीं करना चाहिए तो प्लीज भी कमेंट में लाजमी बताइए, यानी हमें इस चीज़ का रिप्लाई आज लाजमी देना है आप सबने, जितने लोग भी देखेंगे सबने कमेंट करना, ताकि हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाए हमें नेम चेंज करना चाहिए या नहीं। पहले मैं इसको कहती रही हूँ कि कोई यूनिक सा नेम रखते हैं, लेकिन इसको भा नहीं रहा था कोई मेरा बताया हुआ ना, क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग लॉन्ग से बता रही थी ना, वो मुझे समझ में नहीं है, नहीं रखना मतलब कोई यूनिक तो था ना कम से कम, अगर थोड़ा बहुत लॉन्ग भी था तो। सिस्टर व्लॉग्स ऑफिशियल, ये क्या लॉन्ग नहीं, ये क्या शॉर्ट है? ऑफिशियल इसने अपने पास ही लगाया, तो फिर सिस्टर लॉग्स का मैंने अकाउंट देखा था यूट्यूब पे ऑलरेडी था, तो मैंने ऑफिशियल लगाना ठीक समझा तो मैंने लगा दिया। तो कहा था कि हम अपने चैनल का नेम सिस्ट्रोलॉजी लाइट रख लेते हैं, लाइट सिस्ट्रोलॉजी जैसा हो भी जाएगा और लाइट लिखा जाएगा आगे, ताकि लोग समझे कि हमने मतलब उनके नेम से अपना यानी चैनल ग्रो किया। नहीं ऐसा तो नहीं होता ना, सबका चैनल उसकी किस्मत के हिसाब से ग्रो होता है, बहुत से चैनल होंगे सिस्टर व्लॉग्स के नेम से भी, लेकिन ग्रो तो किसी किसी का होता है ना, हर किसी का तो नहीं होता।
तो बस आपने हमें ये बताना हम चैनल का नेम चेंज करें या नहीं। कल ना जब मैंने आप लोगों को मक्खन दिखाया था ना, किस बात मक्खन लगा के खा लिया आलू के साथ। देसी घी है। हाँ देसी घी, तो मुझे पता भी नहीं चलता कौन सा मक्खन है कौन सा देसी घी है। तो मैंने इनको कहा वैसे ही जैसे बात करते हैं कि मुझे ना इतना ज्यादा कोई खास पसंद नहीं है मक्खन या देसी घी, बस मुझे खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है। तो इन्होंने, मैं वो बात कहने की गुनहगार हो गई हूँ, तो इन्होंने आज खिचड़ी बना के रख लिया और अब मैं इतना पछता रही हूँ ना कि मैंने क्यों कह दिया था कि मुझे खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है ये देसी घी। अब हमें खाना पड़ेगा मरीजों का खाना, मतलब खिचड़ी। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम प्रॉपर दस्तरखान लगा कर फिर वीडियो बनाएं, काम ही इतनी ज़्यादा जल्दी का है, तो मैं वो तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप हमारी खिचड़ी देखें। ये सबाहत का है देसी घी और सबाहत कमज़ोर है, इनको खुराक की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं मोटी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और हालांकि मैं नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ। और इफ्रा तो उपा ही नहीं ना खाती, इफ्रा देसी घी को हाथ भी नहीं लगाती। हनी को डाल के दिया है देसी घी खिचड़ी में और ये खा रहा है। इफ्रा मजाक उड़ा रही है कि तुमने अपने जैसी प्लेट में इनको दिया हुआ है, तो ये इनकी ही है प्लेट, मतलब इनके बर्तन अलग है हमारे अलग है। पागल इफ्रा मेरी वीडियो बंद करके चली गई थी, और ये इसकी मामा बैठी हुई है और ये खिचड़ी खा रहा है। और मैंने आप लोगों को कहा था ना कि टाइम नहीं है कि प्रॉपर दस्तरखान लगा कर तो फिर आपको दिखाएं खिचड़ी वगैरह या हमारा खाना, तो वो मैंने इसलिए कहा था कि हमारे जो काम वाले हैं ना, जिनका नाम लेते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, वो हमें ये देकर गए हैं लहंगा, ये लहंगा देकर गए हैं हमें, और ना कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर ना ये बना दो, तो 15 मिनट बाद कॉल करके कहते हैं बन गया। भला हम कोई मशीन है? नहीं, हम कोई मशीन है जिन्होंने मशीन लगाई और शुर करके वो बन के वो गया। और जिनका ये है ना लहंगा, उनकी ना शादी है जुम्मे को, तो उन्होंने जुम्मे को ये पहनना है, तो अभी हम इस पे करेंगे आरी, उसके बाद इस पे होगा सलमा, मतलब मोती सारे जो लगते हैं वो लगेंगे, और फिर कंप्लीट होगा, फिर ये स्टिच होगा। तो इन्हें पहनने से होश नहीं थी कि अगर जुम्मे को शादी है तो हम इसको जल्दी बनवा लें। और मैंने जब आप लोगों को दिखाया था कि लहंगा आया हुआ है हमारे घर, मेरे ख्याल से 3-4 दिन तो हो गए हैं जब मैंने दिखाया था, तो इन्हें चाहिए था ना कि साथ ही पूरा सेट कंप्लीट करते हैं। अब इसकी बैग ला के दे दी है हमें कि ये जल्दी बना के दें। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, काम में हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे जिसकी वजह से हमें टाइम का पता ही नहीं चला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में, और जो हमने आपसे क्वेश्चन किया है कि हमें चैनल का नेम चेंज करना चाहिए, तो आप हमें लाजमी बताएं, और अगर चेंज करना चाहिए तो क्या नेम रखना चाहिए, कोई यूनिक सा नेम हमें ज़रूर सजेस्ट करें, हमें जो पसंद आएगा हम वो इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।